Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Never use the word mythology for Ramayana, Mahabharata, Veda and Puran. If you use that, you are calling yourself fake, liar and imaginative. इसलिए कभी भी इसका प्रयोग मत करिए. अपने आप को कभी भी मिथोलॉजी न बुलाइए अपने इतिहास को, क्योंकि वो इतिहास सत्य है और हम लोग तो कितने शोज में प्रूव कर चुके हैं. तो आज एक और मिथोलॉजी को डीबंक करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबकी प्रिय और मेरी माता प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी. वेलकम टू द शो. नमस्कार जी, सबको नमस्कार. आप लोगों ने पिछला वीडियो बहुत देखा, 1,00,000 क्रॉस हो गया है, तो आज वाला और शायद इसके बाद एक और करेंगे इसी विषय पर, और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो कम से कम भारतीय मीडिया में नहीं है, तो आश्चर्य होगा. एक्चुअली बहुत लोगों को बड़ा एक पता नहीं क्यों हम लोग हर जगह अपनी मानसिकता को दूसरों पे लगाते हैं, जबकि हमारा कल्चर, हमारी मानसिकता एकदम अलग है. हम असुरों को धार्मिक पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते. असुर असुर ही रहता है हमेशा. और जो आप इतिहास के फैक्ट्स बताते हैं उससे मेरे ये फिलोसॉफिकल पॉइंट की पुष्टि भी होती है हर जगह कि असुर को असुर की दृष्टि से देखें, उसी की दृष्टि से देखें तभी काम होगा. उसको बार बार आप अगर हम उसको एक्सपेक्टेशन धार्मिक रखेंगे और फिर हम हमेशा शॉक होते रहेंगे, फिर तो प्रॉब्लम होती रहेगी. तो बताइए ग्रेटर इजराइल में ऐसा क्या है, ये कैसे बना, क्यों, कब और कैसे? ग्रेटर इजराइल, बृहत इजराइल जी. तो इजराइल अभी तो मेडिटेरियन के पास एक नन्ही सी चीज दिखता है. ये इतना नन्हा तो नहीं था कभी, तो ये जो था वो होने वाला है और शायद उससे भी बहुत बड़ा होने वाला है. तो इसका करीब ये 1860 से ये मामला शुरू हुआ, तो 20 साल तक, 100 साल 20वीं शताब्दी का, 20-23 साल इस शताब्दी का, 24, यानी ये इजराइल का सफर करीब करीब 150 साल का है. और हम लोग को लगता है ये कल का बना देश है. तो आइए इसको शुरू करें, देखते हैं कि जो ये रूस वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र से 1870-80-85-86 के आसपास बहुत यहूदी लोग अपने होमलैंड की तलाश में, कोई एक इजराइल नामक स्थान है, अभी देश की बात नहीं हो रही है, इजराइल नामक स्थान है, चलो वहीं चलते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं. ये बात शुरू हुआ 19th सेंचुरी के अंत में, रूस से शुरू हुआ. क्यों हुआ? पूरे 1200 साल यूरोप में, जिसमें रूस शामिल है, यहूदियों पर अनेकानेक प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? जो एक यहूदी जीजस को क्राइस्ट कहकर स्वयं को क्रिश्चियन कह रहे है, तो वो जू का मसीहा आने वाला है. जू कह रहे हैं जी हमारा कोई ये मसीहा नहीं है, ये सब गल्प की बातें हैं, असली में तो जीजस हुआ नहीं. तो ये जो क्रिश्चियन है, जो सो कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंट जीजस नाम क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, इन लोगों ने अपनी कथा के मनगढ़ंत आधार पर यूरोप में यहूदियों पर अनंत अत्याचार किए. हिटलर वाला तो आखिरी है. तो इन लोगों में, ज्यूज लोग में कहानी बताई जाती है कि कोई एक इनका मसीहा आएगा जो इनको इनके देश इजराइल प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाएगा, जहां से ये 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2200 साल पहले किन्हीं किन्हीं घटनाओं के कारण निकल कर गए थे. अब ये सब कथाएं हैं, क्या सही है क्या गलत है ये हमारा विषय नहीं है. तो इसके विरोध में जाकर, अत्याचार से उब कर कुछ लोग चलना शुरू किए,
कुछ लोग के बाद और लोग और लोग और लोग 1917 में 1870 80 90 की कहानी सुना रही हूँ। 1917 में तो बेलफोर डिक्लेरेशन हो जाता है, यानी 30-35 साल के अंदर इंग्लैंड जो अपने को खुद मियां मिट्ठू बनकर दुनिया का बादशाह कहता है, वो 1914 में फ्रांस और जर्मनी के कारण जर्मनी से युद्ध में उलझ जाता है। युद्ध ऐसा भीषण और भयंकर है कि इंग्लैंड को अपने अस्तित्व का संकट है, तो यहूदियों की सहायता अत्यंत आवश्यक। क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ये अलग कभी हम लोग जब वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तब कर लेंगे, यूरोप वाले स्थिति। तो उस सहायता को लेने के लिए ब्रिटेन प्रॉमिस करता है कि देखो भाई, यूरोप के यहूदियों, अमेरिका के यहूदियों, तुम हमको मदद करो जर्मनी के खिलाफ, तो हम तुमको तुम्हारे प्रॉमिस लैंड इजराइल में तुमको तुम्हारा होम लैंड, होम नेशन, होम स्टेट देने का वायदा करते हैं। 1917 जहां तक मुझे साल याद है। और वो कथा कब शुरू होती है, 1870 80 85 के आसपास रूस से शुरू होती है, बाद में यूरोप से भी लोग आने लगते हैं, जर्मनी से भी यहूदी लोग आने लगते हैं, और 30-35 साल में इंग्लैंड यूनिलैटरली डिक्लेयर कर देता है कि साहब तुमको हम होमलैंड देंगे या देने में मदद करेंगे। एक कहानी। दूसरी कहानी ओटोमन साम्राज्य है, यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य है, तुर्की साम्राज्य है, इसको अब इंग्लैंड को तोड़ फोड़ देना है, फ्रांस को तोड़ फोड़ देना है, क्यों, जिससे ये जर्मनी का दोस्त ना बन जाए। जर्मनी का दोस्त बनकर ये जो रेड सी, ये जो भूमध्य सागर, ये जो सुएज कैनाल वाला एरिया है, ये डिस्टर्ब ना हो जाए, जिससे कि इंग्लैंड का भारत से जो कनेक्शन है, जिसको ये सी लेन कहते हैं, ये सुरक्षित अबाधित रहे। क्यों, वार सप्लाई तो भारत से है, केवल सैनिक तो नहीं जा रहे हैं, 15 लाख सैनिक गए हैं, हथियार जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, खाने पीने का जा रहा है, दवाई जा रहा है, टेंट जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, रेलवे का सामान जा रहा है, वार सप्लाई। तो ओटोमन साम्राज्य को भी तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है, अरबों को कह रहे हैं कि देखो तुम तो तुर्कों के गुलाम हो, अपने आप तो तुम्हारा कभी कुछ बनेगा नहीं, तुम अपने होमलैंड की मांग करो, हम तुमको होमलैंड देंगे। कुर्दों को कहते हैं हम तुमको होमलैंड देंगे, पर्शियंस को कहते हैं होमलैंड, सबको अलग अलग कहते हैं, हम तुमको तुम्हारा होमलैंड देंगे, तुम मांगो तो सही। ये क्रक्स है ग्रेटर इजराइल क्यों, कब और कैसे, और क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए ये अरब लोग, मियां लोग लगातार पिट रहे, ये क्रक्स है इस। तो इजराइल यहूदी मांग नहीं रहा है, यहूदी को वो आगे से कह रहा है, यहूदी दुनिया भर से निकल निकल के जा रहे हैं, इनको पता भी नहीं है ये कौन है, क्योंकि ये इजराइल, ये यहूदी लोग कौन है, यूरोप के छोटे छोटे देशों में और रूस में बसने वाले प्रताड़ित, शोषित, दमित, अलग थलग किए गए लोग हैं, और साधारण लोअर क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग नहीं है, ये अपने तई अपनी प्रेरणा से अपने मूल स्थान को, अपने जमीन को, अपने घर को, होमलैंड को तलाशते हुए कितनी मुश्किलों से ये इजराइल वाली जगह पे आ रहे। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, 1917 में जब आ रहे हैं तब तो यहाँ कोई देश नहीं है भाई,
यहाँ तो सऊदी अरेबिया है ही नहीं, जोर्डन भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, लेबनान भी नहीं है, कुवैत भी नहीं है, इराक भी नहीं है, तो फिलिस्तीन भी नहीं है, है क्या? केवल ऑटोमन एम्पायर है, कोई भी देश तो है ही नहीं। जब फिलिस्तीन देश है ही नहीं तो तुमसे लिया क्या भाई? हम लोगों ने जो इलीगल नेशन स्टेट वाला सीरीज चलाया है उसमें बड़ी अच्छी तरह बताया है, नहीं तो आप गूगल पर जाके देख सकते हैं। 1960 तक यूरो अमेरिकन फोर्सेस यहाँ देश बना रहे हैं, ओटोमन एम्पायर से 19 देश निकाले हैं यहाँ पर, ये मिया लोग के 19 देश निकाले हैं। लेकिन 1917 में जब बेलफोर डिक्लेरेशन हो रहा है तब यहाँ कोई देश नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जूस लोगों ने किसी का देश छीन लिया, ये तो एक फिजूल सी बात है। तो देश नहीं है तो ये है क्या? जमीन है, स्थान है, क्षेत्र है, जिसमें आइसोलेटेड रूप में थोड़े थोड़े से लोग रह रहे हैं। आइसोलेटेड रूप में क्यों रह रहे हैं? ये कोई गंगा जमुना का मैदान तो नहीं है जहां पर बड़ी भारी खेती होती है, साल में 2 खेती होती है, 3 खेती होती है, खेती के कारण घनी आबादी रहती है। ये तो रेगिस्तान वाला एरिया है, ये तो 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री एवरेज वाला एरिया है। खेती तो दूर, यहाँ घास के मैदान भी नहीं है, यहाँ तो नन्हे नन्हे नखलिस्तान है, ओएसिस है, इसलिए आइसोलेटेड सेटलमेंट्स और छोटे छोटे सेटलमेंट है इस पूरे क्षेत्र में। छोटे छोटे सेटलमेंट क्यों है? क्योंकि जितना पानी है उतने लोगों को रहना है। तो एक बात ध्यान कीजिए कि 1870-80-60-65 में भी 10-20 लोग आए होंगे। ये लोग जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस क्षेत्र में? जो इनका अनादिकाल से इनका होमलैंड है। और ये कौन मान रहा है? ये मियां लोग भी मान रहे हैं, जो पैगंबर नबी जो है मोहम्मद साहब कुरान में इनको मूल मानते हैं, इन्हीं से निकले हैं। और क्रिश्चियन लोग तो जीजस को ही क्राइस्ट बता रहे हैं जो जू है। तो दोनों जूस को मानते हैं, इनकी बाइबल को मानते हैं, इनके होमलैंड होने को मानते हैं। तो इनका ओरिजिनल सेटलर्स का, सेटलर भी क्या, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का जो दावा है वो केवल इनका दावा नहीं है, इनके दोनों पुराने शत्रुओं और आज के दोनों मित्रों के द्वारा मान्य है। हाँ, आज दोनों इनके मित्र हैं, अभी हम सारे डिटेल आपको देंगे। तो ये जो आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ आकर जिसको फिलिस्तीन कह रहे हैं वहां के लोगों से जमीन खरीद रहे हैं और वो लोग खुशी खुशी जमीन बेच रहे हैं। बिटवीन पर्सन टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट और डील हो रहा है। क्यों खुशी खुशी बेच रहे हैं? ये जमीन किसी काम का ही नहीं है भाई। कोई इस फिजूल से जमीन के टुकड़े के लिए जहां कुछ होता ही नहीं है उसके लिए हमको नोट दे रहा है, ये खुशी खुशी बेच रहे हैं। कब तक? 1860-70-80-90-100-1900 तक ये बेच रहे हैं। यानी 70-80 साल तक यहूदी लोग जमीन खरीद रहे हैं, पैसा देके, स्वेच्छा से खरीदने वाला भी है और स्वेच्छा से देने वाला। लेकिन 1917 आते आते हल्ला गुल्ला भी मच गया है, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। और जमीन बेचने की मनाही की बात भी होने लग गई है।
उसके बाद भी जिसको फिलिस्तीन लोग कह रहे हैं ये जमीन बेच रहे हैं, क्यों? यहाँ तो घास का तिनका नहीं होता, हमको इसका पैसा मिल रहा है और वॉलंटरली इन लोगों को बसने दे रहे हैं। तब तक कम से कम 1917 तक, 1914 से 1919 तक पहली लड़ाई है। पहली लड़ाई में इस क्षेत्र को इंग्लैंड जीत लेता है और इंग्लैंड के जीतने में सहायक कौन है, कौन सी आर्मी है जो जीतती है? जो भारत से आ ली गई है वो इस क्षेत्र को जीतती है। और इस क्षेत्र में बीकानेर के महाराजा का ऊंट सेना गया है, गुरखा सेना गया है, डोगरा सेना गया है, पंजाबी सेना गया है, जाट रेजिमेंट गया है, राजपूत रेजिमेंट गया है, और जहां तक मेरे को ध्यान है ये मद्रास वाला रेजिमेंट भी गया है। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा डिटेल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पढ़ रही थी। तो ये क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिया है। जीतने के बाद होमलैंड की बात हो गई है। 1917 से 1948 तक अब दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, वॉलंटरी आना, वॉलंटरी बसना, वॉलंटरी जमीन खरीदना, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से खेती करना, उद्योग करना, व्यापार करना, नौकरी करना, और इनका भयंकर विरोध भी 1917 बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद। दोनों काम साथ साथ चल रहा है। और जो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले जो मियां भाई लोग हैं, ये कह भी रहे हैं कि इनको उठा के हम तो लाल सागर में पटक के खत्म कर देंगे। 1948 में अनुमान है कि करीब 7 लाख यहूदी है, कुल 7 लाख, यानी दिल्ली के एक मोहल्ले जितना। और 1917 में कितने हैं? हजारों में है, लाख में नहीं है ये। तो 1917 में जो हजारों में है और जिनका प्रचंड विरोध भी कुछ मिया मिट्ठू शुरू कर चुके, मिया मिट्ठू, मिट्ठू कहते हैं तोता को जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं डुबो दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं फेंक दूंगा। अब ग्रेटर इजराइल क्यों? ग्रेटर इजराइल में झमेला कहाँ आ रहा है? एक मिया मिट्ठू है और एक लगातार अध्यवसाय कर रहा है। और ये जो मिया है ये कौन है? ये तो कन्वर्टेड है भाई, पैगंबर साहब के पहले। तो यहां सब सनातन धर्म है ना भाई, सनातन धर्म से कन्वर्जन है ना भाई। आज से 1400 साल पहले कन्वर्जन शुरू हुआ है, और कन्वर्जन केवल स्किन डीप है। इनसे नबी और अल्लाह ताला परेशान है, ये मुनाफिक है, ये मुशरिक है। कौन? इस पूरे क्षेत्र वाले, क्योंकि अभी ना तो फिलिस्तीन है, ना लेबनान है, ना जॉर्डन है, ना सीरिया है, ना इराक है, ना सऊदी अरेबिया है, अभी तो ये सब कुछ बना ही नहीं है। और जो कौन है जो आ रहे हैं वो कौन है? 2000 साल की भयंकर प्रताड़ना के बावजूद अपने चीज पर पूरी तरह स्थिर लोग। तो ग्रेटर इजराइल क्यों? एक जो अपना धर्म छोड़ के ऊपर ऊपर से कुछ है वो, और एक जो अपने मूल पर अड़ा हुआ है 2000 साल की प्रताड़ना के बावजूद वो। अब 1948 में क्या होता है? 17 से 48 के बीच की जो कथा है मैं नहीं ले रही हूं। 1948 में होता है कि कुछ
यहूदी लोग 40 से 50 साल की उम्र वाले 5-7-8 एक दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक यहूदी स्टेट नेशन स्टेट की स्थापना की घोषणा करते हैं। घोषणा क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्लैंड यूनिलैटरली भाग गया 1945 की लड़ाई के बाद, 1948 आते आते यूनिलैटरली भाग गया, इसके डिक्लेरेशन का हवा हवाई हो गया, ऐसी का तैसी हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी सलट गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी सलट गया, अब भैया तेरी हमको जरूरत नहीं है, हम जाते हैं टाटा बाय बाय। तब कुछ ने कहा हम एक नेशन स्टेट की घोषणा करते हैं, और ये घोषणा करते ही क्या होता है, ये जो इलीगल आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नए नए कुकुरमुत्ते की तरह के जो नेशन स्टेट गोरों ने यानी काफिरों ने यानी जालिमों ने बनाया, किसको? सीरिया को, लेबनान को, जॉर्डन को, इराक को और एक मिस्र, ये पांचों इस पर हमला कर देते हैं। और हमला करके क्या कहते हैं? हमला करने के पहले क्या कहते हैं? हाउ डेयर यू, यानी जो मूल बासिंदा है उसको कहते हैं हाउ डेयर यू बी ऑन योर ओन लैंड, हम तुमको उठा के लाल सागर में डुबो देंगे। और ये जब लड़ने जाते हैं तो किस आइडेंटिटी के साथ जाते हैं? अपनी मूल आइडेंटिटी नहीं, अपनी नकली आइडेंटिटी, अपनी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, अपनी आर्बिट्रेरी और इलीगल आइडेंटिटी। वो क्या है? हम लेबनानी है, हम जॉर्डनी है, हम सीरियाई है, हम इनमें एक पुराना मिस्री है, इजिप्शियन लोग हैं, सेना उसी के पास है, इनके पास तो कुछ नहीं है। कारण ये मारधाड़ के धंधे में ही नहीं है, ये लूट के, छिनैती के, चोरी के, ठगी के भी धंधे वाले लोग हैं, छोटे छोटे ग्रुप एक दूसरे को लूटते काटते। आर्मी वार्मी का तो झंझट नहीं है, आर्मी तो अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने ओटोमन एम्पायर की आर्मी के टुकड़ों को यहाँ रखा है इनको आपस में लड़ाकर मारने के लिए। तो ग्रेटर इजराइल क्यों, कब, यानी 1860 से 1880 से हम आ गए 1948 पर। और हम सबको पता है उस दिन क्या हुआ, उस दिन कुल इतना ही तो हुआ उस दिन, उस 6-8 दिन में, कि ये पांचों सेनाएं अपने जीप से अनाउंस की भागो भागो भागो, और करीब 7 लाख अरबी लोग भाग गए, जिनको बाद में फिलिस्तीनी कहा गया। भागने वाले तो मियां थे ना, कोई फिलिस्तीन नाम का देश तो नहीं था, कोई सीरिया जॉर्डन लेबनान नाम का देश तो नहीं था, इजराइल नाम का देश तो बहुत जमाने से है जिसको ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो और क्या हुआ था? और ये हुआ था कि दो यहूदियों ने बंदूक से या काहे से ढेर सारे पैलेस्टीनियन को मार दिया। ढेर सारे कितने? 50, 60, 70, 100, 125। और इनमें इतना भयंकर दहशत फैल गया, दे वर टेरिफाइड। मैं 2 अध्याय आज के भाषण के लिए पढ़ रही थी इस पुस्तक का, द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, रॉबर्ट फिस। ये रॉबर्ट फिस इनके लिए ऐसे जार जार रोता है, किसके लिए? ये फिलिस्तीनियों के लिए, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। अरबी भी कहता है, और देखिए क्या नाम देते हैं, इससे पूरा नरेटिव बनता है। अभी हम आते, जार जार रोता है, फिर भी कहता है, मारे डर के, टेरिफाइड होके
ये भाग गए यहां से। इसराइलियों ने नहीं भगाया कि भागो भागो भागो, जू लोगों ने नहीं भगाया भागो भागो भागो, इनको भगाया किसने? अरबी लोगों। किसको भगाया? अरबी लोगों को भगाया। क्या कह के भगाया? भागो नहीं तो मारे जाओगे। किससे? उनसे जो शरणार्थी की तरह लुटे पिटे आकर अभी यहां खड़े हुए हैं। 1948 में जब वो डिक्लेयर करता है कि हमारा एक स्टेट है, ज्यूइश स्टेट है, तब उसके पास आर्मी नहीं है, फौज नहीं है, उसके पास आर्मामेंट नहीं है। कौन लोग हैं? सिविलियंस हैं, जो लड़ने इसलिए जाते हैं कि उनको पता है मरना है तो लड़कर विजयी होकर ही मरना है, जिससे बाकी जीवित बच सके। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अरबियों के पास विकल्प है, यहाँ नहीं तो वहां, ये जगह छोड़ के दूसरा। ग्रेटर इजराइल क्यों? इजराइल के पास विकल्प नहीं है, ना 1948 में, ना 1967 में, ना 1973 में, ना 2024 में, ना अक्टूबर 2023 में, ना 1980 में, ना 1993। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनके बाइबल में रिटन रिकॉर्ड है इज़राइल क्या है, उसकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से रेगिस्तान है, कौन कौन से नखलिस्तान है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, पूरा रिटन रिकॉर्ड है। और अरबी बद्दुओं के पास, जिसको बेडोइन लिखते हैं अंग्रेजी में, ये तो यहां रहे कि वहां रहे कि यहां रहे कि यहां रहे, पूरा क्षेत्र है। तो जो 7 लाख लोग 1948 में भागे, वो बड़े आराम से बाकी जगह पर रह लेते। उनको बाकी जगह पर नहीं रहने दिया किसने? किसने? आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, जोर्डन ने, लेबनान ने, सीरिया ने, ये जो आर्टिफिशियल नेशन स्टेट क्रिएट किए गए थे इन लोगों ने, बल्कि तीनों लड़ाइयों में कुछ कुछ हिस्सा दबा लिया। किसी ने गोलन हाइट दबा लिया, किसी ने वेस्ट बैंक दबा लिया, तो किसी ने गाजा पट्टी का हिस्सा दबा लिया। कहा कि ये हिस्सा मेरा है, कारण कोई पुराना तो कुछ जॉर्डन है ही नहीं ना, पुराना सीरिया नहीं है, पुराना लेबनान नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, पुराना फिलिस्तीन भी नहीं है, पुराने इजिप्ट की भी बाउंड्री नहीं है, पुराने सऊदी अरेबिया की भी बाउंड्री नहीं, यमन, ओमान, कुवैत, इराक, ईरान की बाउंड्री नहीं है। इसलिए हर बार झगड़ा होता है, ये हिस्सा मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ग्रेटर इजराइल क्यों? इजराइल को पता है मेरा क्षेत्र क्या है, रिटन रिकॉर्ड के साथ। सीरिया का कौन सा रिकॉर्ड है? लेबनान का कौन सा है? जॉर्डन का कौन सा है? तो 1948 में जगह मिला, फिर 1967 की लड़ाई है, फिर 1973 की लड़ाई है, और तीनों लड़ाई में जू अधिक जमीन पर फैलते चले। और ये जू कभी नहीं कहते हैं तुमको उठा के फेंक देंगे, मार देंगे, काट देंगे, तुमको नदी में डुबो देंगे या पानी में डुबो देंगे, कोई लफाजी नहीं। मैच्योर हैंडलिंग, इंच दर इंच, माइल दर माइल, कब और कैसे? ग्रेटर इजराइल क्यों? ये एक मैच्योर सोसाइटी की तरह एक्ट करते हैं, और ये मियां लोग इजिप्ट वालों को अरबी कहते हैं। इजिप्ट जो इतनी पुरानी सभ्यता है, जिसका अरब से कोई लेना देना नहीं, उसको तो ये अरब कहते हैं। ये तुर्की ओटोमन एम्पायर जो इनका खलीफा है,
उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं नहीं करते हैं, अंग्रेज सब लिखते हैं, दोनों बात लिखते हैं, फ्रेंच लोग दोनों बात लिखते हैं, विद्रोह करते हैं और फिर लिखते हैं कि इनमें नेशनैलिटी का तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे भाई नेशनैलिटी का ख्याल क्यों होगा अगर नेशन नहीं है, अगर वहां की आइडेंटिटी छोटे छोटे कबीलों की है, गुटों की है, तो उनमें कबीलाई आइडेंटिटी होगा, तुम्हारे जबरदस्ती नेशन की आइडेंटिटी थोप देने से तो नहीं होगा। किंतु इसराइल में जूस ने एक नेशन होने की बात 2000 साल से जिंदा है। इसराइल का स्टेट खत्म हो गया था, नेशन जिंदा था, और 48 में उस नेशन ने अपने लिए अपने होमलैंड में स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब क्यों, कब और कैसे, जो लगातार एक मैच्योर सोसाइटी की तरह एक्ट कर रहे, जिस पर कहीं चर्चा नहीं, क्यों एक्ट कर रहे हैं, इस पूरे 2000 साल के यातना प्रताड़ना झंझट में ये यूरोप और रूस में फाइनेंस पर, ट्रेड पर इनका कंट्रोल है। क्यों, वो मूर्ख चर्च वालों ने कहा तुम खेती नहीं कर सकते हो, तुम यही करो। तो जो इनको क्रोध ने दुत्कार के दिया वो क्या दिया, व्यापार, फाइनेंस, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग के कारण घूमना, सागरों की जानकारी रखना, स्किल्स की जानकारी रखना, नक्शों की जानकारी रखना, जूस के पास। ये प्रताड़ित जू इतने महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड जो अपने आप को दुनिया का बादशाह कह रहा है वो हाथ जोड़ के कह रहा है तुम लोग मेरी मदद करो तब हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। रॉसेचाइल्ड एक नाम सुनिए, इसके 5 बेटे, ये यूरोप के 5 देशों के सबसे धनी आदमी, सबसे बड़े बैंकर। वहां बैंकर का अर्थ क्या है, कंट्रोलिंग, फाइनेंस, फाइनेंस के कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल ऑफ आर्मी, फाइनेंस के कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये संख्या में एकदम कम है। 1948 में जिस यूरोप ने, जिस चर्च ने, जिन क्रिश्चियंस ने इनको इतना प्रताड़ित किया कि इनको अपना स्थान छोड़ के भागना पड़ा, उसके खिलाफ भी घृणा सूचक, युद्ध सूचक, मर देंगे, काट देंगे, उलट देंगे, चमड़ी निकाल देंगे, कभी नहीं। इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब भी बहुत सारे जू यूरोपीय देशों में थे कि जब चाहे किसी क्रिश्चियन स्त्री को, बच्ची को, बूढ़ी को पकड़ के उससे बलात्कार करे। मैच्योर सोसाइटी, जो जू जाकर अमेरिका में बसे थे 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक अमेरिका की हैसियत नहीं है तब तक भी उनकी हैसियत अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन प्रोफेसर प्रोफेशन, अमेरिकन लीगल सिस्टम, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल सिस्टम में ये इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि ये तय करते करने लगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, वहां की मिलिट्री पॉलिसी, किसको मदद करना है, किसको मदद नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। 2000 साल की यातना प्रताड़ना के बाद भी आइंस्टाइन जू, फ्रायड जू, मार्क्स जू, 3 नाम बस मैंने लिए, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम बिना पुस्तक के सहारे नहीं ले पाऊंगी, जिन्होंने यूरोपियंस के अनुसार दुनिया ही बदल। आइंस्टाइन एटम बम,
कार्ल मार्क्स सोशलिज्म और फ्रायड तो पूरा चर्च को ही तोड़ दिया विमेन लिप के द्वारा। तो ये जो ग्रेटर इजराइल की बात कर रही हूं, जो सोसाइटी अ वेरी मैच्योर सोसाइटी स्ट्रैटेजिक सोसाइटी गाल बजाने वाली सोसाइटी नहीं और इंच बाय इंच माइल बाय माइल 1948 से 1973 तक अपनी पोजीशन मजबूत करती है और 1973 के बाद अपने शत्रुओं से दोस्ती करती है। इन तीनों लड़ाइयों में सबसे भयंकर भूमिका किसी की थी, डिवास्टेशन की, इजिप्ट की थी। इजिप्ट के पास ही मिलिट्री का फोर्स था, बल था, और सबसे पहले इजराइल की दोस्ती होती है इजिप्ट के साथ, अनवर सादात के साथ कैंप ऑफ डेविड समझौता होता है और अनवर सादात इजराइल के वो जो भी संसद पार्लियामेंट जो भी नाम है वहां आके कहता है हम आपसे क्यों लड़े इन अरबियों के लिए जो हमारी मदद नहीं करते हैं, ये अपनी लड़ाई खुद लड़े, इनके लिए हम आपसे नहीं लड़ेंगे। ये है मैच्योर सोसाइटी के कूटनीति के लक्षण, शत्रु से भी समझौता, शत्रु से भी मित्रता, अपना एक भावी काटा उखाड़ दिया। इसके बाद अरब के लोग क्यों डरे हुए, मैं कोटेशन नहीं पढ़ रही हूं, ये सब आपस में कह रहे हैं कि डर की बात ये है जॉर्डन दोस्ती कर लेगा, लेबनान दोस्ती कर लेगा, सीरिया दोस्ती कर लेगा। हाजी उनका डर वाजिब था, सब अलग 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 इजराइल से ट्रीटी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। कब से? 1973 के बाद पहला इजिप्ट 1979 है और 1979 के बाद 1980 में जब पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन पीएलए क्या है ना ऑर्गेनाइजेशन, हाँ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अराफात, हाँ अराफात वाला, ये जहां शरण लेते हैं उसी के राजा को पलटने की बात करते हैं। तो उसके राजा ने इजराइल वालों को बुलवाया और इनको ठीक से कटवाया। जॉर्डन फिर लेबनान वाला कटवा रहा है, फिर सीरिया वाला कटवा रहा है इनको। ये कथा लोगों को नहीं पता है। और छोड़िए पीएलओ जितना पैलेस्टीनियंस को कटवा रहा है, बिल्कुल करवा रहे हैं। यासिर अराफात ने जिस क्रूरता से पैलेस्टीनियंस को मारा है, हमास वही से हमास को तो इजराइल ने शुरू किया, करेक्ट, अराफात को ठीक करने के लिए। अब भारत में तो काफी गधे लोग हो गए हैं, मोदी जी को कुछ सुल्तान मौलाना वौलाना कहते हैं। खैर, तो हमास शुरू किया इजराइल ने पीएलओ को ठीक करने, पीएलओ को काम में लगाया यासिर अराफात के फिलिस्तीनियों को काटने में, जितना माने सिगरेट से दागना, गले से पकड़ के टांग देना, चाबुक से मारना, जितना तरह तरह का प्रताड़ना पीएलओ ने फिलिस्तीनियों का किया है, इजरायलियों को तो करने की जरूरत ही नहीं है। जो मार इनको जॉर्डन ने, लेबनान ने, सीरिया ने, इराक ने, मिस्र ने मारा है, अब ये फिलिस्तीनी नाम भी गलत है, लेकिन चलिए चर्चा के लिए, क्यों ये हर जगह जाकर उत्पात करते हैं। एक फिलिस्तीनी के शरीर में से 70 गोली निकली, मारने वाला कौन? पीएलओ का मालिक यासिर अराफात। यासिर अराफात ने इतने डिट्टे से जो ओस्लो कार्ड के बाद
इसको 1993 के बाद जो थोड़ा सा एरिया शासन करने को मिला, उस शासन में ये क्या कर रहा है? फिलिस्तीनियों को काट मार रहा है, फिलिस्तीनी अखबारों पर सेंसरशिप कर रहा है। जैसी सेंसरशिप इसराइल अपने आप इसराइल देश में रहने वाले मियां लोगों पर नहीं कर रहा है, इसराइल तो गाजा पट्टी में इनको खिला पिला रहा है। ये दूसरे के रहम करम पर खा पी कर गुजर बसर करने में लज्जा नहीं आती है इसराइल। यहूदी सारी दुनिया से आए हैं, भाषा अलग है, भूषा अलग है, रिवाज अलग है, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं तो रिवाज वगैरह अलग हैं। इसके बाद भी एक रेगिस्तानी गर्म मुल्क में इतनी मेहनत करते हैं कि ये खेती में दुनिया को सिखाते हैं। भारत से भी लोग खेती सीखने इनके पास जाते हैं, इनका ड्रिप इरिगेशन। ये अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट बनते ही है अनाज के मामले में, ये दुनिया को खाने पीने का चीज सप्लाई करते हैं। इसी क्षेत्र में रहने वाले अरबी लोगों के पास न ट्रेड है, न मैन्युफैक्चरिंग है, न आर्मामेंट है, न यूनिवर्सिटी है, न साइंस है, न टेक्नोलॉजी है। इसराइल के पास ये सब है, कब से? 1948 से आज तक, जिसमें केवल ये तीन लड़ाई नहीं लड़ा है, रोज इसके अस्तित्व पर खतरा है। इसराइल की जो पूरी सिविलियन पॉपुलेशन है, वो सब सिविलियन पॉपुलेशन एक अर्थ में फौज है, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। और ये अरबियों का क्या मामला है? ये तो जो फौज बनाते हैं वो फौज भी इनके स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। अभी जो लेटेस्ट आया है ईरान का, जो वो कौन सा रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये 1979 के बाद है, जो स्टेट फंडेड है लेकिन रिस्पॉन्सिबल है व्यक्तियों को या पार्टी को, देश को या राज्य को या संसद को नहीं। इनके पास मिलिशिया है, नॉन स्टेट प्लेयर्स है, जो इलीगल आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट आर्मी बनाकर आर्मी को स्टेट के कंट्रोल में रखने का सामर्थ्य नहीं रखते, वो क्या खाकर इजराइल से लड़ते? तो इजराइल तो ग्रेट ग्रेटर होता ही जा रहा है। कितने बड़े एरिया में इजराइल आएगा? जितने बड़े एरिया में बाइबल में वर्णन है और जितने बड़े एरिया में उसको लाने की आवश्यकता है यूरोप और अमेरिका को। यूरोप अमेरिका को क्यों जरूरत है? G20 वाला भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर या क्या वो रास्ता क्या नाम दिया है, उसके लिए इस पूरे क्षेत्र में शांति की आवश्यकता है, इस पूरे क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता है, इस पूरे क्षेत्र में इक्वालिटी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट एस्पिरेशंस की आवश्यकता है। ये मार देंगे, काट देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, ये भाषा रहेगी तो गैस लाइन, पाइप लाइन, रेलवे लाइन कैसे चलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? ट्रेडिंग कैसे होगा? फाइनेंस का नेटवर्क कैसे फैलेगा? आदित्य जी कुछ कहेंगे? नहीं तो मेरा तो मोनोलॉग अभी लंबा चल जाएगा। नहीं, आपका चलने दीजिए, क्योंकि आप एक थॉट प्रोसेस में हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो
यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने का है, एक चीज क्या, कई चीजें अभी हम धीरे धीरे ला रहे हैं कि ये जिनको अरबी लोग कहा जा रहा है, हम लोग के लिए तो पूरा क्षेत्र ही अरबी है, लेकिन इनके लिए, इनका जो खलीफा था वो तो तुर्की, वो अरबी नहीं है, इनके लिए पर्शिया अरबी नहीं है। पर्शिया और अरबी यानी ईरानी और अरबी लोगों में जानलेवा दुश्मनी है, उससे बड़ी दुश्मनी है जितनी बड़ी अरबी लोगों की यहूदियों से थी। देख लीजिए ईरान के हमले में ईरान के साथ कोई नहीं, 1979 के बाद ईरान में जो आयातुल्ला खोमैनी आया है उसके बाद से ये पूरा क्षेत्र ईरान पर जब न्यूक्लियर मामले में अमेरिका और यूरोप सैंक्शन डालते हैं, अरब देश नाना करके शांत है। दे वॉन्ट पर्शिया टू गो, दे वॉन्ट ओटोमन्स टू गो, दे वॉन्ट तुर्की टू गो, दे वॉन्ट इजिप्शियंस टू गो। आर्मी तो इन तीनों के पास है, ओटोमन्स के पास है, पर्शियंस के पास है और इजिप्शियंस के पास है, और ये इतने बड़े गधे हैं। 1979 में जब वो आया आयातुल्लाह खुमैनी, उसके छोकरे अमेरिका के लोगों को पकड़ के बंधक बना लिए, अमेरिका ने कसर निकाला 10 साल के लिए सद्दाम हुसैन से भिड़ा के, और ये इजराइल कितने सैकड़ों साल, हजार साल से ज्यादा की प्रताड़ना सह के आया, और यही अमेरिका, यही इंग्लैंड, यही फ्रांस, यही जर्मनी इसका मित्र है, जो जूस के पास स्टेटक्राफ्ट, अरबियों के पास जीरो बटा सन्नाटा, स्टेट कभी था ही नहीं तो स्टेटक्राफ्ट कहां से आएगा, स्टेट किसके पास था, सेंट्रल एशियन तुर्कियों के पास था, सनातन धर्मी पर्शियंस के पास था, सनातन धर्मी इजिप्शियन के पास, इन तीनों के पास स्टेट था तो इन तीनों के पास सेना थी, और ये जिसको पूरा अरब क्षेत्र कह रहे हैं, ये नॉन पॉपुलेटेड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, आइसोलेटेड पॉकेट्स में पॉपुलेशन वाला क्षेत्र में न राजा था, न रानी थी, न सेना थी, न स्टेट था, न स्टेट मशीनरी थी, स्टेट क्राफ्ट नहीं था। और इन अरबियों को इंग्लैंड और फ्रांस ने चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, एक वो लॉरेंस और एक वो जर्ट्रूड बेल, साहब बड़े महान है, बड़े ये है, बड़े लड़ाका है, एक अरबी घोड़ा है, एक बद्दू लोग हैं, एक जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, एक कुरान है, क्या बात है तुम लोगों, देखो तुम लोगों को ये तुर्की लोग गुलाम बना के रखते हैं, ये ईरानी लोग गुलाम बना के रखते हैं, इजिप्शियंस का नाम नहीं लिया, 79 में इजिप्शियंस ने इनसे पल्ला झाड़ा, इजराइल से लड़ाई करने में सबसे बड़ी भूमिका इजिप्ट की थी। तो जिसको अरब मामला कहते हैं, स्टेट क्राफ्ट का संपूर्णतया अभाव। एक उदाहरण मैं दे रही हूं, आज का समय मुझे लग रहा है पूरा होने वाला है, 50 मिनट हो रहा है, यूरोप अमेरिका की भूमिका पर बाद में बात करूंगी अगले एपिसोड। ये जो अब्राहम एकॉर्ड आया है, अब्राहम एकॉर्ड क्या है, साहब यूएसए अब जा रहा है,
यूएसए कह रहा है कितना माथा तुम लोग के साथ लगाए भाई, तेल के लिए लगाया था। दुनिया की दादागिरी करने में जो अमेरिका पर आरोप है, दुनिया की पुलिस गिरी रख करने में बहुत नोट खर्च होता है। तो जब तक तेल चाहिए था नोट खर्च किया, और भी बहुत से कारण थे, बाद में बात करें। लेकिन अब अमेरिका अपने उस कॉन्टिनेंट में जिसको वो छीना है, जहां वो सेटलर है, सुख चैन से जीना चाह रहा है, वो वापस जा रहा है, किंतु रूस और चीन को हाथ नहीं धरने देगा। तो कल का शत्रु इजराइल, आज का मित्र इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड करा देता है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। बहरीन और यूएई दोनों अरब इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड करते हैं, जिसमें बाद में सूडान और मोरक्को भी शामिल होता है। क्या कि साहब इनका बंदरगाह देखेगा, इनका एयरपोर्ट देखेगा, इनका फाइनेंस देखेगा, इनका इंटेलिजेंस देखेगा, बचा क्या भाई, इनका आर्मामेंट देखेगा। और ये सब किसके टैसिट कंसेंट से हुआ है? सऊदी अरेबिया, बाकी छुटके मुटके जितने हैं। और किसके खिलाफ इनको सिक्योरिटी चाहिए? इजराइल तो इनको सिक्योरिटी दे रहा है ना भाई। अमेरिका तो पीठ पर हाथ थोप के किनारे जा रहा है, इनको सिक्योरिटी अब चाहिए किससे? इनको चाहिए ईरान से, इनको चाहिए तुर्की से। हम लोग को क्या बताते हैं मियां बिरादराना, जितने लोगों को ईरानियों को इराकियों ने मारा है, जितने इराकियों को ईरानियों ने मारा है, ये सैकड़ों में है क्या, हजारों में है क्या, ये लाखों में है। जितने फिलिस्तीनियों को सीरिया वालों ने, जॉर्डन वालों, लेबनान वालों ने मारा, सीरिया वालों को लेबनान ने, लेबनान ने सीरिया को, सीरिया ने तुर्की को, बाकी ने सऊदी अरेबिया को, कुवैत को, इराक ने मारकाट मारकाट मारकाट, आज ये इसको मार रहा है, कल वो उसको मार रहा है। विस्तार से पढ़ना हो, बहुत किताबें हैं, पढ़ डालिए। तो इसराइल इस क्षेत्र का प्रोटेक्टर है, कमाल की बात। कल का शत्रु इसराइल यूएई को प्रोटेक्शन देगा, बहरीन को प्रोटेक्शन देगा, सूडान और मोरक्को को प्रोटेक्शन देगा, और ये प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये इजिप्ट से दोस्ती करेगा, ये यासिर अराफात से दोस्ती करता है इजराइल, और दोस्ती करके फिलिस्तीनियों के झंझट को सलटवा देता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर यासिर अराफात खुद कहता है कि साहब 1948 में जो भाग गए थे उनको छोड़ दीजिए, कौन भाग गए थे? अरबी लोग, जिनको ये फिलिस्तीनी कहते हैं, वो भाग गए थे, उनको छोड़ दीजिए, वो कहीं बस बस जाएंगे, उनको यहां लाकर दोबारा बसाने का कोई खास बात नहीं। अब अगर यासिर अराफात ये कहता है, अगर यासिर अराफात और उसके दोस्त लोग ओस्लो में, नार्वे में प्रॉपर नक्शे लेकर नहीं बैठते हैं, तो इसके लिए आप यहूदियों को गाली देने का शौक है, गाली दे लीजिए, लेकिन उससे बात तो नहीं बनती है। जो काम स्टेट क्राफ्ट का है वो काम तो स्टेट क्राफ्ट से निपटेगा। तो ग्रेटर इजराइल क्यों, कब और कैसे? तो क्यों और कैसे पर मैं बात कर रही हूं, कब और थोड़ा क्यों और कैसे मैं अगले में बताऊंगी। वो अगला है
कि यूरो अमेरिका अमेरिकन ब्लॉक अब सुख से जीना चाहता है, एनफ ऑफ डंडाबाजी पुलिसगिरी, और इस क्षेत्र में सनातन धर्म पुनः उदित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उससे सबको शांति और आनंद मिलेगा। तो उसी में ग्रेटर इजराइल आ रहा है और ये मेरे लाइफ टाइम में आ रहा है। मैं कितना जीऊंगी अंदाज कर लीजिए। पंडित लोगों ने 84 बताया, 14 साल के अंदर ग्रेटर इजराइल आ रहा है जी। क्षमा चाहती नहीं, एक्चुअली आपने इतना क्लियर करके बता दिया है, इतना क्लियर इतिहास के माध्यम से, कि अब मैं तो दर्शकों को बोलूंगा कि बाकी YouTube चैनल्स पे जो भी बकवास चल रही है थोड़ा इग्नोर करें, अभी इतिहास को पहले समझ लीजिए। और दूसरा है ना, बाकी और ये जो सनातन धर्म की बात करी, एक इंग्लिश का वर्ड है होलिस्टिक। चाहे साउथ अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए, नॉर्थ अमेरिका में जाए, सी हर जगह पे सनातन धर्म को एक अलग तरीके से लोग डिस्क्राइब करते हैं। अभी पूरे वेस्ट में ट्रेंड है होलिस्टिक, और सतोलॉजी इंटरनेशनल फेस्टिवल में इस बार जो हमारा होने वाला है लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें थीम ही होलिस्टिक है, कल्चर हिस्ट्री लैंग्वेज एंड स्पिरिचुअलिटी ऐड किया हुआ है। तो होलिस्टिक वर्ड जो है वो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आपको इजराइल में मैक्सिमम होलिस्टिक फेस्टिवल्स मिलने वाले हैं अभी आजकल, और तेल अविव वीगन कैपिटल बन चुका है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। सो इट्स ए साइन फॉर पीपल टू कम, और इतने सारे जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो भी इस होलिस्टिक मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। इसी को आप बोलिए सनातन धर्म। हाँ बोलिए। एक बात मैं भूल गई, केवल दो चार लाइन बोल दूंगी, पूरा अगले ले लूंगी। ये ईरान पगलेट को देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी एंड कंपनी, हम न्यूक्लियर होंगे, न्यूक्लियर होंगे, न्यूक्लियर, अरे न्यूक्लियर होके तू क्या कर लेगा भाई। पाकिस्तान तो न्यूक्लियर था ना भाई, अरे न्यूक्लियर होंगे, न्यूक्लियर होंगे, और न्यूक्लियर होने के नाम पर तूने ऐसे ही फटे हाल था, पाकिस्तान कर दिया, सब जगह छेद कर लिया, जितने सैंक्शन तेरे पर लग गए, तू न्यूक्लियर हो जाएगा, वो चार बम ला के डाल देगा, बम नहीं डालेगा तो न्यूक्लियर वाले साइंटिस्ट को दोस्ती करके कुल न्यूक्लियर उठा के ले जाएगा। कुछ तो दिमाग से काम कर यार। अमेरिका से टक्कर लेता हुआ सोवियत रशिया न्यूक्लियर बन गया था, हम न्यूक्लियर बनते कितना टुकड़ा में टूटा भाई 1990 में, और आज न्यूक्लियर बन के नॉन न्यूक्लियर यूक्रेन नामक चटनी को पीस नहीं पा रहा है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। तो ये क्या है, जहां स्टेट क्राफ्ट नहीं है, इस्लाम की खासियत है नो पॉलिटिक्स नो स्टेट क्राफ्ट, छिनैती डकैती जबरदस्ती, और उसके बाद थोड़ा होमो थोड़ा भाई थोड़ा मल्टी देयर इट इज। तो ये सब हम अगले में लेंगे, वो बता दिया। थैंक यू वेरी मच सुमथामा, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ये 100वां वीडियो है कुसुमता जी का प्लेलिस्ट में, तो इसको तो आप लोग 100 मिलियन तक तो पहुंचाइए एटलीस्ट, 100 मिलियन तक पहुंचना चाहिए। और इसराइल में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, अरबियों को भी हिंदी आती है, और भारतीयों को तो हिंदी आती है, तो सभी लोग इसको देखें, कमेंट करें और लोग मेरे को बताएं। एंड वो तो 100 मिलियन कह रहे, मैं तो 5 लाख कह रही हूँ। शमीन भैया का आप लोगों ने 6 लाख पहुंचाया है, इसको भी पहुंचाइए 6 लाख, इसको 1 मिलियन लेके जाइए खींच के, 1 मिलियन। और थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।